हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं प्लम केक। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज जूस। यहाँ पे हमने एक कप ऑरेंज जूस लिया है, ये लगभग 3 संतरों का जूस है। उसमें हमने ऐड किया है किशमिश, ब्लैक रेजिन, आलमंड, कैसू एंड टूटी फ्रूटी। आप अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ऑरेंज जूस में सोक कर लेंगे और क्लिंग रैप से कवर कर लेंगे। इसे कम से कम 1 घंटे तक कवर करके रख देंगे। 1 घंटे बाद सारे ड्राई फ्रूट्स ऑरेंज जूस को सोक कर चुके हैं और फूल चुके हैं। अब इसे सेट रख देंगे। अब केक के बैटर की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, 1/2 कप पाउडर शुगर, 5 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 3 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 कप मिल्क, 1 स्पून वेनिला एसेंस, 1/2 स्पून जायफल और दालचीनी का पाउडर। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि उनमें कोई लम्स ना रहे। सारे चीजें छनने के बाद अब हम उसमें डालेंगे जायफल और दालचीनी का पाउडर। सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस में सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स। अब हम उसमें डालेंगे मेल्टेड बटर और वनीला एसेंस। अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूध मिलाते जाएंगे और सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। बोरिंग कंसिस्टेंसी आने तक उसमें दूध मिलाते रहेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम केक टिन को तैयार करेंगे। केक टिन के चारों तरफ बटर स्प्रेड कर देंगे, फिर उसमें सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे। आप इसकी जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब केक के बैटर को केक टिन में डाल देंगे। केक टिन को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि उसमें कोई एयर बबल ना रहे। अब गार्निशिंग के लिए टूटी फूटी को ऊपर से डाल देंगे। अब हम इसको कुकर में बेक होने के लिए रख देंगे। कुकर को हमने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में प्री हीट के लिए रख दिया था। अब केक को 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 25 से 30 मिनट के बाद इसको एक बार खोल के चेक कर लीजिए कि ये बेक हुआ है या नहीं। 40 मिनट बाद टूथपिक को केक में इंसर्ट करके देखेंगे कि केक बन गया है या नहीं। अगर टूथपिक क्लियर निकला तो केक अच्छे से बेक हो चुका है। केक को कुकर से निकाल के 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो चुका है। अब एक नाइफ की मदद से साइड्स को लूज कर देंगे। अब इसको एक प्लेट की मदद से फ्लिप कर देंगे। केक टिन को टैप कर लेंगे ताकि केक आसानी से निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट बना है। ऊपर के ड्राई लेयर को नाइफ या धागे से काट देंगे। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप स्प्रेड कर देंगे। यह ऑप्शनल है पर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप को स्प्रेड कर देंगे। और पाउडर शुगर को इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। इसके ऊपर चेरी सजा के गार्निश करेंगे। यम्मी प्लम केक हमारा तैयार है। आप भी एक बार ट्राई करें। कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
हमारे वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching!